मोहद्दीनपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले गेझा गांव के बिजली घर पर मंगलवार देर रात महिंद्रा पिकअप सवार आधा दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया, जब बिजली घर पर तैनात एसएसओ बच्चू सिंह और लाइनमैन नरेंद्र ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने दोनों को धमकी देते हुए कहा कि ऑफिस से बाहर निकले तो वे गोली मार देंगे। बिजली घर में रखा लगभग 1.5 लाख रुपए का तार लेकर महिंद्रा पिकअप से फरार हुए। वहीं तुरंत एसएचओ बच्चू सिंह ने ये जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक कॉम्बिंग कर आरोपियों की तलाश की, पर आरोपी बदमाश हाथ नहीं लग सके। पुलिस ने एसएसओ की तहरीर पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है और क्या घटना? आज मेरा नाम बच्चू सिंह है। किस पद पे? मैं एसएसओ के पद पे हूँ यहाँ पे। क्या घटना हुई? रात को मेरी ड्यूटी थी, 2 बजे के करीब यहाँ पे हमें आवाज हुई। हमने सोचा कि शायद कोई जानवर अंदर घुस गया है, लेकिन जब यहाँ बाहर रोशनी काफ़ी ज़्यादा थी, लाइटें हमने अपनी लगा रखी हैं, जब मैंने अंदर से देखा तो बाहर यहीं पे एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में असला था, लेकिन कौन सा था वो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं अंदर था। उसने कहा बाहर निकलोगे गोली मार देंगे। मैं सब कुछ देख रहा था अंदर से, वो सामान उठा रहे हैं, खींच रहे हैं। हमने जब भी फ़ोन कर दिया, 10 मिनट के अंदर तत्काल पुलिस आ गई यहाँ पर। पुलिस ने काफ़ी वे पुलिस की गाड़ी की देख के ही भागी। ये यहाँ पे रखा हुआ था, उन्हीं से फिर ये हमने अंदर रखवाया तार, क्योंकि इसे एक दो आदमी तो अंदर करा नहीं सकता, उन्हीं की मदद से अंदर किया। पर हमें ये है कि हमारा जो खुला हुआ तार था वो थोड़ा बहुत वे लेके गए हैं, हमारे बड़े बंडल बच गए। कितना माल गया होगा? लगभग लगभग 3 क्विंटल तार गया होगा, जो अनुमान हमने सुबह लगाया। कितनी कीमत होगी 3 क्विंटल तार के? ये 1,30,000 के करीब होगी का जो तार है। कितने लोग थे वो जो आपने देखे हैं अंदर से दिखाई? देखो ये तो मैं अंदाजा बता नहीं सकता, लेकिन 5-6 तो इस पे लगे हुए थे, 5-6 आदमी थे जो इसे खींच रहे थे। 2 आदमी यहाँ पे खड़े हुए थे, एक आदमी इस ईंट के ऊपर रखा हुआ था। अंदाजा 8-9, 9-10 आदमी हो सकते हैं। अब गाड़ी में कितने थे कितने नहीं थे ये मैं बता नहीं। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी वाइट कलर की पिकअप गाड़ी थी जो महिंद्रा की है। कितने लोगों पर असला था ये नहीं बता सकता जी। मैंने एक ही आदमी देखा, मैं अंदर था, मैं बाहर निकलने को बिल्कुल नहीं आया। जब उन्होंने ये बोल दिया कि गोली मार देंगे, मैं बाहर नहीं आया। आप यहाँ पे कौन कौन थे? मैं था और एक हमारे लैंडमैन है। क्या नाम है? नरेंद्र। हाँ जी, लेकिन उनकी आवाज़ से मैं उनको गालियाँ दे, मैं उनको काफ़ी समझाने की कोशिश कर रहा था। खूब सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे अवेलेबल? सिक्योरिटी गार्ड हम ही सिक्योरिटी गार्ड हैं। हाँ जी सर, देर रात मोहद्दीनपुर चौकी क्षेत्र में एक बिजली घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया बताया जा रहा है, क्या पूरा मामला सर? देखिए लूट तो नहीं, हमारे पास एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें चोरी की घटना का वर्णन है। रात में ये गेझा के पास एक बिजली घर है, वहाँ पे जब सूचना मिली तो तत्काल हमारा चौकी का फोर्स भी पहुँच गया था। और जैसा कि तहरीर प्राप्त हुआ है, उन्होंने बाहर रखे कुछ तार चुराने की सूचना दी है और इस पर FIR पंजीकृत किया जा चुका है, आगे की कार्रवाई की जा रही है।